अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और सबके दस्तरखान को वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि बरसात का मौसम है तो क्यों ना बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक हो जाए, और वो भी मैंगो गुलगुले। तो देखते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन अच्छा की ज़रूरत है। मैंने तकरीबन एक कप आटा लिया है, घर का जो रेगुलर का होता है। दो टेबलस्पून सूजी और दो ही टेबलस्पून दही लिया है। हाफ टी स्पून मैंगो एसेंस डाला है इसके अंदर। ये मैंने मेजरमेंट वाला कप लिया है, आप जो रेगुलर घर का कप होता है वो एक ले लें। एक कप आटा, आधी प्याली सूजी और आधी ही प्याली दही मैंने लिया है इसके अंदर। दही का बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है इसमें, मुझे मीठा सोडा डालना नहीं पड़ेगा दही की वजह से गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं, और जब तलने में हम आते हैं तो वो तेल भी नहीं पीते। और ये हाफ टी स्पून में मैंगो एसेंस डालनी हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। आप अगर चाहें तो इलायची पीस के डाल लें, मगर मैं ये एक कप में मैंगो प्यूरी पीसी हुई है, और इसी के साथ ही मैंने चीनी भी पीस ली है। तो चीनी आप सोच रहे होंगे कि मैं नहीं डाल रही, मगर चीनी मैंगो प्यूरी में शामिल है। तमाम चीज़ों को एक साथ डालकर अच्छी तरह से इसको फेंट लें, विक से, चम्मच से, जो भी आपके पास हो उससे अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए, लम्प से नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा सा देखें बैटर, केक के बैटर की तरह बन गया ये, बहुत अच्छा। और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखें और फिर हम इसको तलने पर आ रहे हैं। तैयार है हमारा, और ये देखें ज़बरदस्त इसके बॉल बन रहे हैं। इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कुछ भी नहीं ऐड किया, दही की वजह से ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखें आराम से बैटर इतना थिक होना चाहिए कि आराम से चम्मच से चला जाए। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसका आ रहा है, खुद ही ऊपर आ रहे हैं ये बग़ैर बेकिंग सोडे के। सिर्फ मैंने आपके सामने ही दही डाला है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं। एक कप में तो बहुत सारे बन जाते हैं। ये देखें हमारे ज़बरदस्त कलर आ गया इसके अंदर गोल्डन, अंदर से भी बड़े ज़बरदस्त सॉफ्ट और होंगे। सूजी की वजह से भी इसमें टेक्सचर थोड़ा गुलगुले का अच्छा आ जाता है। ये देखें हमारे तैयार हो गए, हल्का सा मैंने गोल्डन कलर इसको दे दिया। हल्की आंच पे इसको तलना है ताकि अंदर से सही तरह से पक जाएं, कच्चे नहीं रहें। ये देखें हमारे तैयार हो गए गुलगुले, और इसको मैंने मैंगो प्यूरी के साथ सर्व किया है। ये देखें अंदर से भी देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट हैं। देखें मैंगो प्यूरी के साथ तो इसको टेस्ट और ही ज़बरदस्त लगता है। तो बनाएं बरसात के मौसम में गुलगुलों को, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।